बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं रुबीना आसिफ, आज मैं आपको मैंगो ट्राइफल बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये हैं। इसके लिए हमने एक लीटर फ्रेश मिल्क लिया है, तकरीबन 6 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड के लिए हैं। हम मैंगो ट्राइफल बना रहे हैं तो हमने कस्टर्ड भी मैंगो का ही लिया है, फ्लेवर हम मैंगो का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3/4 कप हम शुगर ले रहे हैं, शुगर अपने हिसाब से कम बढ़ती आप कर सकते हैं जिस तरह का मीठा खाते हो। 1 कप हमने फ्रेश क्रीम ली है, चाहे आप टेट्रा पैक ले लें चाहे आप डेयरी की मिल्क क्रीम ले लें। 1 कप हमने मैंगो जूस लिया है, जूस भी हम मैंगो का ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें 1 जेली का पैकेट हमें चाहिए, ये भी हम मैंगो फ्लेवर में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ हमें मैंगो चाहिए क्यूब्स की शक्ल में, वो हमने लिए हैं। कुछ हमें केक की ज़रूरत पड़ेगी, ये मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये टी केक है तो ये इस्तेमाल करेंगे हम। अब हम सबसे पहले कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध पकाने के लिए रखेंगे। अब दूध पकाने को हमने रखा था, इसमें बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर हम शुगर डालेंगे, शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हैं। इसे इसको हम मिक्स कर लेंगे शुगर को, और वो जो हमने 6 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड लिया था, ये मैंगो कस्टर्ड हमने लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी या दूध जो भी आप डालना चाहें, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी। ये हमने 6 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसका घोल बना लिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसे दूध में मिक्स करेंगे और जितनी हमें थिकनेस चाहिए उतना हम कस्टर्ड इस्तेमाल करेंगे, जो बच जाएगा उसे रोक लेंगे, क्योंकि हमें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे हम, मिक्स ले लें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और इससे हिलाते जाएँ ताकि लम्स भी ना बने। बस ये थिकनेस इसके काफ़ी है। अब इसको हम उतार के ठंडा कर लेंगे, तैयार हो गया कस्टर्ड हमारा, बस हम इसे ठंडा करेंगे। कस्टर्ड हमने ठंडा करने के लिए रख दिया, इतनी देर में हम जेली तैयार कर लेते हैं। अब जेली जो मैंने आपको पैकेट दिखाया था, इसमें 400 ग्राम 2 कप पानी लिखा होता है, तो आप ये करें कि इसमें 1 कप से 1.25 कप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 200 ग्राम से 250 ग्राम हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जेली हमारी थोड़ी थिक रहे, बहुत ज़्यादा पतली जेली हमें नहीं चाहिए। तो हम 400 के बजाय तकरीबन 250 ग्राम पानी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 कप से 1.25 कप। अब ये हमने तकरीबन 1.25 कप पानी जो था वो हमने बॉयल होने के लिए रखा है, जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें ये जेली डाल देंगे। अब जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसमें हम ये 1 पैकेट जेली का डाल देंगे। जेली हम रफान वालों की इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हम मैंगो फ्लेवर में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। बस हमने पानी पकते ही जो है जेली डाल देनी है और चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया, और इसको हम घोल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। इसे जमाने को नहीं रखना, हमने इसे ऊपर से कोट करना है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब हमने कस्टर्ड को ठंडा कर लिया है, जेली भी हमने तैयार कर ली है अपनी। अब हम जो है इसको ट्राइफल को असेंबल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें केक की लेयर लगाएंगे। अब हमने केक की लेयर लगा दी है, अब इसके ऊपर हम ये मैंगो जूस डालेंगे थोड़ा थोड़ा, इससे हम इसे सर्व करेंगे। जूस डालेंगे, अब जूस के हमने डाल दिया इस पे मैंगो जूस, और इसके बाद अब हम ये मैंगो डालेंगे। मैंगो डाल के इसे सब तरफ फैला दें एक साथ। अब मैंगो डालने के बाद जब मैंगो के लेयर लग जाएगी तो अब इस पे हम ये फ्रेश क्रीम डालेंगे। किनारों पे ज़्यादा डालें ताकि बाहर से नज़र भी आए, डिश भी इस तरह की इस्तेमाल करें
ताकि अंदर तक जो है नज़र आए खाने वाले को। अभी हमने क्रीम की लेयर लगा ली है। सबसे पहले हमने केक की लेयर लगाई थी, फिर उसके ऊपर हमने मैंगो जूस डाला था। मैंगो जूस डालने के बाद हमने मैंगो क्यूब्स डाले थे बना के मैंगो के, और उसके ऊपर हमने क्रीम लगाई है। अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड डालेंगे। अब कस्टर्ड डालने के बाद इसके ऊपर हम वापस से ये मैंगो क्यूब्स डालेंगे, मगर ये हमने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखे, इनका साइज़ थोड़ा छोटा रखा है हमने। अब हमने ये मैंगो क्यूब्स डाल दिए। अब इसके ऊपर जेली जाएगी, मगर जेली देखें कि हमने पूरी जमाई नहीं है। ये जो है जेली को जमना नहीं है, जब हल्की सी जमना शुरू होगी और इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी तब इसके ऊपर हम डालेंगे। हमें इसके ऊपर इसे जमाना है। अब हमने इस पर जेली डाली है, जेली हमने जमा के नहीं डाली थी, जेली जब जमने लगी थी उस टाइम डाली है। अब हम इसे जमाने के लिए रखेंगे और इसे फ्रिज में अच्छी तरीके से चिल्ड करेंगे। चिल्ड करने के बाद इसे जो है हम सर्व करेंगे। जिन लोगों को मैंगो बहुत पसंद है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा डिज़र्ट है। इसे बनाएं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आप इसका फ्रूट चेंज करके स्ट्रॉबेरी के साथ या बनाना के साथ बनाना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, मगर जो फ्रूट इस्तेमाल करें वही जेली इस्तेमाल करिएगा, उसी का कस्टर्ड इस्तेमाल करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई और आसान रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।